जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस गिरगिट की चाल चलती है यह बयान दिया था और उनके इस बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने पलटवार किया है। लखन ने कहा है कि सिंधिया बीजेपी में खरगोश की चाल चलकर कितने सफल होते हैं यह देखने वाली बात होगी। जन आशीर्वाद यात्रा पर लखन का कहना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जनता है और जनता भाजपा से कोविड-19 काल के दौरान उसकी कार्यप्रणाली से आक्रोशित है। पूर्व कैबिनेट मंत्री घनघोरिया का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो कि पूरा देश और जनता अपनी आंखों से देख रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा और अन्य समारोह में कोरोना वायरस को लेकर बंदिश लगाई जाती है और उन पर रोक लगाई जा रही है, जबकि जन आशीर्वाद यात्रा में सरकार खुद ही गाइडलाइन भूल चुकी है। और जन आशीर्वाद यात्रा पर उनका कहना था सरकार कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भूल चुकी है, जो उसकी कार्यप्रणाली को देखकर समझा जा सकता है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। और इसके पहले भी सरकार की लापरवाही की वजह से दूसरी लहर में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तो वक्त बताएगा कि खरगोश की चाल पे सिंधिया कितने सफल होंगे। जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा का सवाल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का आभास हो गया कि जनता के बीच का आशीर्वाद उनके लिए खत्म हो चुका है, फिर से आशीर्वाद जुगाड़ने की जरूरत है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। आशीर्वाद यात्रा के लिए परमिट करे सरकार, शासन प्रशासन कांवड़ यात्रा को रोके। बड़ा विचित्र है कि आशीर्वाद यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा। तीसरे वेरिएंट के लिए कितनी सजग और संजीदा है सरकार उसको रोकने के लिए, ये बात भी स्पष्ट हो रही है। और वैसे तो आम जनमानस बहुत ज्यादा नाराज है, अब ये मनाने निकले हैं, देखते हैं जनमानस इनका तिरस्कार करता है या इनको नमस्कार करता है, ये वक्त बताएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।